आरआरसी रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको जो यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 2532 वैकेंसी दी गई टोटल। और जो आपको अपना आवेदन फिल करना है केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन नोटिस भर्ती में आवेदन करना होगा, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी चेक कर पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिखाऊंगा तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी आरआरसी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर वो भी देख पाएंगे। फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म फिल करना होगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना होगा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना होगा, उसके बाद से आपको यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम जो आपका होगा आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। फिर आपको अपने पापा का नाम फिल करना होगा इसी प्रकार से। फिर आपको यहाँ पर जेंडर बताना हो कि आप मेल कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट है, क्योंकि इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यानी कहने की बात यह है आपको यहाँ पर केवल और केवल ऑनलाइन मोड से भर्ती में आवेदन करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो आरआरसी रेलवे की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप कम से कम 10वीं पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। जो इस भर्ती में आपको वैकेंसी दी गई है यानी कि टोटल वैकेंसी मिलेगी 2500 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी भी दी गई है। इस भर्ती को सबसे बड़ी बात होगी इसमें आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड से भर्ती में आवेदन करना होगा और बिना परीक्षा के यहाँ पर भर्ती होने वाली है, यानी कि रिटर्न एग्जाम आपको यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन आपको किस प्रकार से फिल करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है, कंप्लीट वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊँ किस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, तो कंप्लीट वीडियो देखते रहिए। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा आरआरसी रेलवे यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट दिया जाता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर सबसे तेज तरीके से दी जाती है, तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस ग्रुप का लिंक दिया गया है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है तो आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं, 2500 प्लस यानी कि 2500 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती में आवेदन करना होगा। हो कैन अप्लाई तो इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 9000 रुपये से लेकर 12400 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, यानी कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो जो आपको सैलरी मिलेगी 9000 रुपये से लेकर 12400 रुपये पर मंथ तक आपका यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यूआर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर पे करना होगा, एसएसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर पे करना होगा। और जो आपको फीस पे करनी है वो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान द्वारा यहाँ पर आप पे कर पाएंगे। इस भर्ती का एज लिमिट रहेगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, अगर आपके 15 ईयर से लेकर 24 ईयर के बीच में तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 तक की जाएगी, 1 जनवरी 2021 को न तो 15 से कम हो न 24 से ज़्यादा हो। अगर आप SST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर छूट मिलेगी, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती की फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, यानी कोई हाइट, कोई वेट, कोई रनिंग यानी दौड़ भी आपकी इस भर्ती में नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, फोटो सिग्नेचर, जो आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे, यानी कि आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि जो से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हीं के आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी।
फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद से आपको मेडिकल टेस्ट भी रहेगा। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना हो, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई। जो इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आपने 10वीं पास भी किया हुआ तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। वैसे यहाँ पर कितने प्रकार की वैकेंसी दी गई है जो कि मैं नोटिफिकेशन में बताऊँगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, लेकिन इससे पहले जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 6 फरवरी 2021 से इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 5 मार्च 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने RRC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको यहाँ पर बताना होगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इतनी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा, फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल करना होगा, सिर्फ पापा का नाम यानी कि फादर नेम देना है। फिर आपको यहाँ पर जेंडर बताना होगा, जो भी आप हो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है, OBC ST जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने देना है। आपको यहाँ पर सभी जानकारी फिल कर लेनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं कल का शेड्यूल बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाए, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पे 1000+ लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो इन हिंदी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा। और क्या पता आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख पाएंगे। अब बात रही इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 6/2 यानी 6 फरवरी से इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 5/3/2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। RRC रेलवे की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आपके यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। जो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा यानी कि जो भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आप यहाँ पर चेक करवाएंगे। मेरिट लिस्ट होगा यानी कि मेरिट बेस पर ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताएगा, अगर आप OBC कैंडिडेट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहेगी 1/1/1994 से लेकर 1/1/2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है और आप OBC कैंडिडेट हो तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक करना होगा। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड, जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं, 2532 वैकेंसी दी गई टोटल। जो आपको वैकेंसी दी गई है अप्लाइंटिस के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। मुंबई जोन में आपको यहाँ पर ये वैकेंसी मिलेगी। आपको यहाँ पर सभी प्रकार से बताया गया, पुणे में, भुवनेश्वर में, आपको सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर होम पेज पर आकर दिखा दूँ तो आप यहाँ पर इसके होम पेज पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे डाउन आना है और जो आपके सामने पहला ही नोटिफिकेशन आ रहा है जहाँ पर आपको क्लिक है टू व्यू डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं सेकंड लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर हाउ टू अप्लाई जाना चाहते हैं आप यहाँ से देख पाएंगे, तो ऑनलाइन आवेदन आप यहां से भी कर पाएंगे। अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पर क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आएगा फॉर्म फिल करना होगा। सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।